नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे न्यूज राजस्थान पर। जी हाँ दोस्तों, आज काफ़ी दिन बाद मैं आप सभी के सामने हाजिर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विरोध के बीच सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, फैंस से बोले सुशांत के परिवार का सहारा बने। जी हाँ दोस्तों, आए दिन खबर आ रही थी कि सलमान खान शाहरुख खान से सुशांत सिंह की नई बनती थी और सुशांत सिंह को काफ़ी फिल्मों से सलमान खान की वजह से हाथ धोना पड़ा था। तो दोस्तों आइए इस न्यूज़ को शुरू करते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अब सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के खिलाफ जमकर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। ट्विटर पर कलाकारों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई है। इन कलाकारों में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। इस बीच सलमान खान ने अपने फैंस से अपील की है कि वो सुशांत के फैंस का साथ दे। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान ने ट्वीट किया। हम आपको स्क्रीन पर सलमान खान के द्वारा ट्वीट किया गया फोटो भी दिखा रहे हैं। सलमान खान ने एक ट्वीट कर लिखा है कि मैं अपने सभी फैंस से गुजारिश करता हूँ कि वो सुशांत के फैंस के साथ खड़े रहे और गलत भाषा का इस्तेमाल ना करें, भावना को समझने की कोशिश करें। इस मुश्किल समय में सुशांत के परिवार का सहारा बने, किसी अपने का चले जाना बहुत दुख देने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको स्क्रीन पर कुछ फोटोज और क्लिप दिखा रहे हैं, इसे आप देख सकते हैं। और अगली खबर की बात करें तो सलमान खान का विरोध हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद। कई जगहों पर सलमान खान के पुतले जलाए जा रहे हैं। बिहार में उनके बीइंग ह्यूमन शोरूम से उनकी तस्वीरें हटा दी गई हैं। इसके साथ ही जिन जगहों पर सलमान खान के पोस्टर लगे हैं उन्हें भी उतार कर जला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान का विरोध काफ़ी हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग के फैंस हैं वो सलमान खान के विरोध कर रहे हैं, और विरोध किया भी जाना चाहिए क्योंकि आए दिन खबरें आ रही है कि सलमान खान की वजह से सुशांत सिंह कहीं ना कहीं उनका भी इस सुशांत सिंह के चले जाने में अहम रोल है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अगर कुछ पता हो, अगर आपको क्या लगता है कि जो सलमान खान करण जौहर ने सुशांत के साथ किया वो गलत है या सही है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और सुशांत सिंह को श्रद्धांजलि भी कमेंट बॉक्स में आप RIP लिखकर दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगली बड़ी खबर के साथ आपके साथ फिर से जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।